आप भी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम चढ़ना चाहते हो तो आपको ये कहानियां जरूर सुनना चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हार गया लेकिन खुद से जीत गया। ये हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा में चार चांद लग जाएगी। आप पहले से ज़्यादा ऊर्जा रहित बन जाएंगे। बिना समय गवाए मैं मोटिवेशनल स्टोरी शुरू करता हूँ। मोहन नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस को पूरा जरूर करेगा। और अब रेस शुरू हो चुकी थी, मोहन भी दौड़ने लगा। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब मोहन थक चुका था, थक गया था। वह रुक गया, फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक चुका था लेकिन और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जीत करके वापस उठा, लड़खड़ाते डगमगाते फिर आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस को पूरा किया। लेकिन उसका आज विश्वास, लेकिन रेस तो माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले रेस में कभी भी पूरा नहीं कर पाता था, रेस को कभी भी पूरा नहीं कर पाता था और ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों में मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था। जानते हो क्यों? क्योंकि वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं हमारे लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और रोज़ 10 घंटे की स्टडी करते हैं तो आपको किसी की कोई भी परेशानी की वजह से आप भी पढ़ाई नहीं कर पाते मगर आपको भी ये 5 घंटा मिले तो भी आपको पढ़ना चाहिए। मोहन की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार करके भी जीत जाएंगे। दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और हमारा जो चैनल है आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर हम मोटिवेशनल चैनल स्टोरी सुनाते रहेंगे जिससे आपके ऊर्जा में और चार चांद लग जाएगी। नमस्कार, थैंक यू।